नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का, शुरुआत करेंगे बड़े खबर के साथ। आज से अमित शाह का मिशन यूपी चल रहा है और कासगंज और जालौन दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हैं, तो जनविश्वास यात्रा को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अमित शाह के साथ मौजूद हैं, तो विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह और लगातार विपक्ष पर हमलावर भी दिख रहे हैं। उन्होंने पलायन जैसे मुद्दे को लेकर भी हमला बोला है और साथ में योगी सरकार की उपलब्धियों को भी अमित शाह गिना रहे हैं। चलिए हम आपको अब सीधे ले चलेंगे अमित शाह के पास कासगंज, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। होता था कुछ, होता था, आपने मोदी जी की सरकार बनाई, पुलवामा में हमला किया, उरी में हमला किया, ये भूल गए कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी नहीं है, इस बार भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन के अंदर, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र पूरे प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अब प्रदेश में यूनिवर्सिटियां बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, उद्योगों का जाला बिछ गया है और प्रदेश गुंडा राज से मुक्त हो गया है। अखिलेश जी, क्या देखकर वोट मांगने निकले हो? आपको यूपी की जनता जानती है, आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे, 700 से ज्यादा योगी जी के शासन में 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं है एक भी दंगा करे। दंगे होते हैं क्या? होते हैं क्या? मित्रों, डकैती के अंदर 70% की कटौती हुई है, लूट में 65% की कटौती हुई है, अपहरण और फिरौती में 50% की कटौती हुई है और बलात्कार में 65% की कटौती हुई है। माताओं और बहनों को सुरक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमने कोरोना आया, मोदी जी ने सभी कोरोना ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए 130 करोड़ को मुफ्त टीका लगाने का काम किया। आपका टीका लग गया है नहीं लग गया है? भाई जोर से बोलो, लग गया है नहीं लग गया है? कुछ देना पड़ा है क्या? कुछ देना पड़ा है क्या? और अब मोदी जी ने घोषित कर दिया 15 से 18 की आयु वाले युवाओं को भी टीका लगना है, 15 से 18 की आयु वाले। मित्रों, हमने, अरे भाई चिल्ला लेने दो उसको, जरा चिंता मत करो। मित्रों, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया है। हर जिले में पहले एक बाहुबली हुआ करता था, अब हर जिले में एक उत्पाद है। पहले हर जिले में एक मिनी सीएम हुआ करता था, आज हर जिले में एक इंडस्ट्री लगी है। पहले हर जिले में एक स्कैम हुआ करता था, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हुई है। मित्रों, 18 बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और 18 में से 17 योजनाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, इन्होंने 70 साल में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए जोर से बोलिए। 17 साल में इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे बनाए। कितने बनाए? और भारतीय जनता पार्टी ने
साढ़े चार साल में 5 एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है। उन्होंने 17 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए, कितना बनाया? हमने 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उनके समय में 17 साल में 1900 सीटें थी, आज 3800 सीटें है। कितनी है? तो विकास करना है तो कोई भी सपा या बसपा नहीं कर सकता। मित्रों, एक गन्ना का प्रदेश है। योगी जी ने 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। गन्ना किसानों का 90% भुगतान किया है। 1,48,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो कासगंज से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला रखी। राजनाथ सिंह ने कानपुर रोड पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही डीआरडीओ लैब का भी शिलान्यास रक्षा मंत्री ने किया। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। ब्रह्मोस यूनिट के लिए सरकार ने मात्र 1 रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई है। इसके अलावा अमोसी एयरपोर्ट के ठीक बगल में डीआरडीओ लैब का भी शिलान्यास किया गया है। डीआरडीओ इन दोनों प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रहा है। जाहिर है कि इससे भारत की सैन्य क्षमताओं में इजाफा होगा, साथ ही उद्यमियों को भी नए अवसर मिलेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम गाजियाबाद के कालकागढ़ी चौक में रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान भारी भीड़ भी दिखाई दी। रोड शो के दौरान लोगों ने अलग अलग जगह सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबको न्याय और सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनविश्वास यात्रा के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने 5 साल में बिना भेदभाव के हर वर्ग का विकास किया है। इस सरकार में गुंडों और माफियाओं को सबक सिखाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई भूमि पर गरीबों को आशियाने का तोहफा देने आज संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी भूमि पर भूमि पूजन कर पीएम योजना के तहत बनने वाले फ्लैटों का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सीएम के दौरे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिस नजूल भूमि को माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराया गया है, उस भूमि पर हजारों समाजवादी पार्टी के झंडे मिले थे जिन्हें जला दिया गया और इस जमीन की बाउंड्री को भी भगवा रंग से रख दिया गया है। कानपुर इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित घर पर फिलहाल सीबीआईसी का छापा बंद है, जबकि कन्नौज के पैतृक आवास और कारखाने पर छापा अभी भी चल रहा है। दोनों घरों से अब तक करीब 235 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें कानपुर से राशि 150 करोड़ रुपए से बढ़कर 177 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं कन्नौज से 58 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा काफी मात्रा में जेवरात भी बरामद किए गए। वहीं दूसरे इत्र कारोबारी संदीप मिश्रा उर्फ रामू के घर और कारखाने पर 19 घंटे बाद छापा खत्म हो चुका है। यहां से टीम ने कागजात जब्त किए हैं। राजधानी में गुंडवा के पहाड़पुर और कल्याणपुर मोहल्ले में तेंदुआ घुस आया है। तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और देर शाम को फिर तेंदुआ पास के ही कल्याणपुर इलाके में दिखाई दिया। इस दौरान भीड़ देखकर भड़क गया और लोगों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में पुलिस और वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। वन विभाग के कोकरैल प्रभाव के अधिकारी इलाके में कैंप कर तलाश कर रहे हैं। वहीं पुलिस टीम लोगों को घरों में रहने की लगातार अपील कर रही है।
फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बनी बांस की कोठी में लगभग 8 फीट का अजगर सांप निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र में फसल नष्ट कर रही खुले में घूमती हुई 60 से 70 गायों को पकड़कर ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद भी कोई अधिकारी गायों को देखरेख में नहीं आ रहा है और किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। सहारनपुर के विनय विहार कॉलोनी में पूर्व विधायक आवास में बराबर शटर उखाड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने हजारों की नकदी पार कर मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिजनौर में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे कि गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के समझा बुझाकर शांत करवाया गया और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। रायबरेली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। हाल ही में यूएसए से लौटी युवती ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि युवती की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिलहाल युवती को होम आइसोलेट पर रखा गया है। बादा में चोरी की एक दिलचस्प घटना सामने आई, जहां पहले दो चोरों ने बिल्डिंग की एक दुकान से हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन बाद में पीड़ित की परेशानी जान चोरों का दिल पसीज गया और चोरों ने पीड़ित का एक एक सामान लौटा दिया और उससे लिखकर माफी भी मांगी है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात एक पशुशाला में भीषण आग लग गई, जिसमें 9 पशु बकरियों की आग से जलने की वजह से मौत हो गई और सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सवारियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। हरदोई की कोतवाली शहर पुलिस ने आबकारी विभाग की संयुक्त टीम बनाकर ऑपरेशन शिकंजा के तहत अंतर जनपदीय 4 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 तस्कर भाग निकला। पुलिस ने इनके पास से 24 पेटी में मिलावटी अवैध शराब, लगभग 100 लीटर अल्कोहल और एक लग्जरी कार समेत 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बदायूं के दातागंज तहसील में तैनात लेखपाल पर जमीन के कागज को लेकर लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने क्षेत्राधिकारी और एसडीएम को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में डंपर लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। बादा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में युवक ने पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के बाद पति ने खुद भी जहर खा लिया, जिसके बाद युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फिरोजाबाद में नगर निगम ने एक बड़ी सौगात दी है। अमृत महोत्सव और योजना के अंतर्गत अटल पार्क का निर्माण किया गया है, जिसकी लगभग 1,80,000 रुपये कीमत आंकी जा रही है। आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल ने पार्क में बनी अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर शहर के मेयर नूतन राठौर, सदर विधायक मनीष असीजा के साथ साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देश में शिक्षा एक सम्मान की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और प्रधानमंत्री का गोद लिया गांव वाराणसी के जयापुर से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए 10 सदस्यीय टीम पैदल यात्रा पर निकल चुकी है। पैदल निकले यात्रियों को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार विनय कुमार सिंह ने 10 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये पैदल यात्रा जन जागरण करते हुए वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर और कई जिलों से होते हुए कल कानपुर देहात पहुंची और जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री को संबोधित कर एक ज्ञापन सौंपा। बादा के विकासखंड बहुआ अंतर्गत पूर्व प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर में स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां चूल्हा फूंकते रोटियां बेलते हुए मिड डे मील का खाना स्कूल की टीचर्स की उपलब्धि बताती रही। लखनऊ के चिड़ियाघर में घूमने आए लोगों से पार्किंग फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। आरोप है कि निर्धारित दर से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और साथ ही पार्किंग रसीद पर चिड़ियाघर प्रशासन की मोहर भी नहीं लगी है।
बादल शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए आईजी चित्रकूट धाम सत्यनारायण ने खुद सड़कों पर उतरकर कमान संभाल ली है। उन्होंने सब्जी और फल ठेले वालों को एक जगह पर व्यवस्थित किया, साथ ही ई रिक्शा और टेम्पो स्टैंड को एक जगह सुनिश्चित कर ई रिक्शा और टेम्पो स्टैंड बनाया गया। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव में पुलिस ड्राइवर का ग्राम प्रधान के घर पर पहुंचकर रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आरक्षी चालक मंटल कुमार को निलंबित कर दिया है। चंदौली के अली नगर थाना अंतर्गत गुप्ता पेट्रोल पंप के पास एक युवक का शव नाले में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। वहीं फिलहाल शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। जालौन के एसपी रवि कुमार कोतवाली में माल खाने का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां एक दरोगा एसपी के सामने पिस्टल खोल गया, जिसके बाद दूसरी पिस्टल भी न खोल पाने पर एसपी ने दरोगा जी को फटकार लगाई। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में दरवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। गांव के 430 वोट अन्य पंचायत में जोड़े जाने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों का मानना है कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर वोट डालना महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जालौन में एक युवक पंजाब नेशनल बैंक के चबूतरे पर जा बैठा और अकेले ही लाउडस्पीकर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा, साथ ही गले पर चाकू रखकर सरकार को ललकारा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को हिरासत में लिया। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के अंबापुर NH2 में ट्रक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 8 लुटेरों को अरेस्ट कर लिया। वहीं आईजी ने 50,000 का पुलिस टीम को नकद पुरस्कार दिया है। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली के शेखपुर गांव में कटरा बिल्होर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार साले भनोई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के हाफीगंज थाना क्षेत्र बाईपास पर कार सवार परिवार को कार्गो ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे कि कार में सवार 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चलो आपको बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। उत्तराखंड में आज पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन करेंगे और ये दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बेहद अहम कह सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों पर समीक्षा बैठक की जाएगी और बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं, बैठक होगी, सीएम धामी भी मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ ही बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता पदाधिकारी और कई विधानसभा से आए हुए विधायक भी मौजूद हैं। तो बता दें कि बीजेपी लगातार अब आगामी चुनाव को देखते हुए समीक्षा बैठक कर रही है, पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रही है और साथ में रणनीति भी बनाई जाएगी और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब प्रत्याशियों पर भी बातचीत होगी। तो अजीत काम्बोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। अजीत, जेपी नड्डा देहरादून पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है आज? बिल्कुल, अभी की अगर बात की जाए तो प्रदेश में तमाम जो विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उत्तराखंड भाजपा की, उनकी समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे हैं और आज गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। 2 सत्रों में ये समीक्षा होनी है, जिसमें पहले सत्र की शुरुआत अभी 1 बजे ही यहां पर हुई है और इसको लेकर जिस तरह की तैयारी है उत्तराखंड भाजपा की वो चल रही है। तमाम नेता पदाधिकारी, तमाम वो लोग मौजूद हैं जो सीधे सीधे आम चुनाव से जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक है। पहला सत्र लगभग 1 बजे शुरू हुआ है और 2 घंटे तक ये पहला सत्र चलने की उम्मीद है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से फाइनल बैठक कही जा सकती है। सीधे तौर पर पदाधिकारी, प्रभारी और जो भी लोग तैनात किए गए हैं चुनावी दृष्टिकोण से, तो उनके साथ ये पहली बैठक हो रही है। जी चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जेपी नड्डा देहरादून दौरे पर हैं और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहें जनता टीवी।